फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किसे TCS NQT फॉर 2024 पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा आप TCS NQT के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट अभी तो चालू हो रहा है, आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन एंड होगा अप्रैल 14, जो कि आ रहा है अप्रैल 14 को एंड हो जाएगा। इसके साथ ऑनलाइन टेस्टिंग होगा अप्रैल 26 को। इसके इंटरव्यू स्टार्ट डेट है ओनली भी इन्फॉर्म बाय मेल, आपको मेल की तरफ से आपको इन्फॉर्म आ जाएगा। इसके साथ चलिए देखते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे चुका हूँ, तो सिंपल लिंक से क्लिक करने से आपको टू स्टेप आएगा। एक है चूज योर आईटी इंस्टेड ऑफ बीपीएस, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ आपको नेक्स्ट ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको मेल आईडी डालना पड़ेगा। एंटर योर मेल आईडी, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट बाय TCS, आपको मेल आईडी देना पड़ेगा। इसके साथ आपको थर्ड स्टेप पर आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वही ओटीपी को आप वहीं से डालना पड़ेगा। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर दीजिए, फुल नेम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ वहीं पर डालना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड लास्ट 4 डिजिट का देना है। देन एग्री पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आ जाएगा एग्री ऑप्शन, आई एम एग्री, वही ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका नेम, मोबाइल नंबर एंड इंस्टीट्यूट नेम, आप कहाँ से पढ़ते हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका नाम क्या है, फुल डिटेल वहीं पर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आगे पासिंग आउट योर और नियरेस्ट TCS ऑफिस अकॉर्डिंग टू योर करेंट लोकेशन, आप जहाँ पे रहते हो इसके पास में कोई TCS का ऑफिस है या नहीं। और इसके साथ कैप्चा, कैप्चा को आपको डालना पड़ेगा वहीं पे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आपका नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आएगा और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपको फिलअप करना है। एंड नेक्स्ट कॉन्फर्म पर एक ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल कॉन्फर्म फॉर्म क्लिक कर देना है। और इसके साथ नेक्स्ट आ जाएगा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन कॉन्फर्म यू विल बी रीडायरेक्ट टू द पेज वेयर योर आईडी विल बी डिस्प्ले, आपका आईडी जहां पे है वहीं पर आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके साथ क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ आफ्टर गोइंग कंटिन्यू वी विल बी पॉप अप विथ ए कैप्चा, एक कैप्चा आपको पास आ जाएगा, एंटर द कैप्चा, वही कैप्चा को आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा के बाद आफ्टर कंप्लीट द अबव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव टू फिल अप द TCS NQT फॉर्म, आपको फॉर्म फिल अप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका लॉग इन टू योर वेबसाइट, आपको लॉग इन करना है, क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म, एक ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वहीं पर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग एप्लीकेशन फॉर्म यू विल सी ए सेट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, और क्लिक द बटन नेक्स्ट। इसके साथ आपको आपको फुल डिटेल वहीं पर देना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट बटन विल बी रीडायरेक्ट, एंड आपको डिटेल देने के बाद आपको नेक्स्ट एंड सेव पर कंटिन्यू करना है। और इसके साथ आपको 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जो अच्छी हैव यू पुट देयर। एंड नेक्स्ट लास्ट एकेडमिक डिटेल यू हैव टू फिल ए डिक्लेरेशन, दिस डिक्लेरेशन विल बी इन्फॉर्म यू हैव ए प्रोवाइड ऑन करेक्ट और नॉट, आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यस और नो देना पड़ेगा। इसके साथ दिस इंक्लूड लैंग्वेज, आपको स्पीकिंग राइटिंग डिटेल लैंग्वेज देना पड़ेगा। इसके साथ आपको नाम के आधार कार्ड पर जो नाम है आप वही नाम को वहीं पे डालना पड़ेगा। और इसके साथ आपको ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा द लास्ट सिलेक्शन फॉर्म, फिलिंग द डिटेल वी विल कॉल एप्लीकेशन फॉर प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन सेक्शन, आपके पास प्रीव्यू एक बार आ जाएगा ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट आपको एक बॉक्स आएगा, एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको पास आ जाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन, एक पॉपअप आ जाएगा, वही पॉपअप पर आपको यस करना है। इसके साथ आपको नेक्स्ट पर यस कर देना है और नियरेस्ट लोकेशन आपको डालना है एंड 3 प्रीफर्ड जॉब लोकेशन, आप जॉब कहाँ कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो वहीं पर देना पड़ेगा।
और इसके साथ आपको आफ्टर क्लिकिंग अप्लाई विल रिसीव रजिस्टर मेल, आप जो भी मेल डालते हो वही मेल पर एक मेल आ जाएगा एंड आपके पास डिटेल मेल आ जाएगा। दोस्तों ये हो गया हमारा टीसीएस ये एनक्यू रिक्वायरमेंट है, तो इसका डिटेल वीडियो और एक मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ कितना टाइम एग्जाम होगा, कितना टाइम क्वेश्चन आएगा, कौन कौन का कौन कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल डिक्लेरेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दे दो, जो कि मैं हर दिन एक नया नया इंटर्नशिप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोज के लाती हूँ। तो इसलिए थैंक यू।